दोस्तों अगर आप कनाडा में आ रहे हो या अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो विथ योर फैमिली स्पेशली, तो अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी एक ऑब्वियसली चाहिए अगर आप विथ फैमिली यहाँ पे आते हो। मैं इसके पहले भी बहुत बार बोला हूँ व्हाई यू नीड अ कार इन कनाडा। तो बेसिकली अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर आपको सबसे पहले जो रखना है, जो मैंने अभी अभी लिया, कुछ दिन पहले मैंने लिया, ये देखिए जंप स्टार्टर, ठीक है, एक जंप स्टार्टर है। बेसिकली इसके अंदर एक पोर्टेबल छोटा सा बैटरी होता है एंड बहुत, ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, अभी तो पोर्टेबल बहुत छोटा भी मिलता है। तो ये जो जंप स्टार्टर है इसका काम होता है कि अगर आप मान लो अगर आपका बैटरी डाउन हो जाता है फॉर सम रीज़न, राइट, ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये आपका बैटरी बहुत पुराना है, 3-4 साल का पुराना है, या अपने मान लीजिए अपने आपका जो गाड़ी का हेडलाइट है या अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी एक्सेसरीज है आपने सब कुछ ऑन करके छोड़ दिया और आपका इंजन अगर नहीं चल रहा है, तो तब क्या होता है कि आपका अंदर का जो बैटरी है वो बैटरी बिल्कुल बैठ जाता है। इसके पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इंडिया में मेरे पास एक टाटा नेक्सॉन था, नया गाड़ी था, लेकिन उसका हेडलाइट ऑन था लाइक नो, और उसका जो लाइक नो जो इंजन नहीं चल रहा था, तो इसके लिए कि वो बैटरी का जो पावर था वो पूरा एग्जॉस्ट कर लिया था और बीच रास्ते में मेरा गाड़ी रुक गया था इंडिया में। तो उसके बाद मुझे मैकेनिक को कॉल करके बुलाना पड़ा, वो एक बैटरी लेके आया के बूस्ट करके उसके बाद मेरे गाड़ी को ले गया। सो इंडिया में तो चलो जुगाड़ हो जाता है, राइट, 200-300-400-500 रुपये में आपका काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो डैम एक्सपेंसिव फ्रेंड। अगर आपका ऐसा हो जाए कभी, मान लो गाड़ी आपका रुक गया बिकॉज ऑफ बैटरी और एनी रीज़न बीच रास्ते में, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा जो भी सर्विस सेंटर है एंड इफ दे आर ओपन दैट टाइम, यहाँ पे बहुत नखरा है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि रात को 11 बजे भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा हेल्प करने के लिए, यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है। तो अगर मान लो अगर इवनिंग के टाइम में अगर आपके साथ ऐसा होता है देन यू आर आई डोंट नो आप क्या करोगे, गॉड ब्लेस यू। तो और यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मान लो अगर ऐसा हुआ कि आपका गाड़ी रुक गया बीच पे एंड आपको सर्विस सेंटर कॉल करना पड़ेगा, वहाँ से टोइंग व्हीकल आएगा आपके गाड़ी को टो करके ले जाएगा, टोइंग व्हीकल आपको लूट लेगा, सर्विस सेंटर भी आपको लूट लेगा एंड आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, आपका स्ट्रेस भी बहुत बढ़ेगा। और अगर आपका ऐसा है कि आपको बच्चों को, जैसे मुझे अपने बच्चों को आज पिक करना था थोड़ा जल्दी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो अगर आपके पास ऐसा है देन लाइक नो यू आर अ गॉन केस। तो ये सब सिचुएशन से बचने के लिए कनाडा में जो सबसे पहले आपको चाहिए, आपके गाड़ी में एक बूस्टर, राइट, एक ये जो है जंप स्टार्टर बोलते हैं इसको, जंप स्टार्टर डेफिनेटली रखिए, ठीक है। इसका प्राइस $100 से स्टार्ट होता है, अप टू $200-$400 लाइक नो, आप 100-150-200 के अंदर ले सकते हो। जैसे ये जो मैंने लिया, मेरा ये बहुत ही कितना $130 या $140 मैंने इसका पे किया। इसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं, आप इसको अपना बैटरी चार्ज कर सकते हो, आप अगर काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, या अगर बाहर आके अगर आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, इसमें देखिए आप लैपटॉप भी अपना चार्ज कर सकते हो, छोटा मोटा जो यूटिलिन जो लेकिन एक्सेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, वो भी आप इससे रन कर सकते हो। और आपका अगर टायर भी कभी आपको इन्फ्लेट करना पड़े, राइट, आपके मान लीजिए आपको बीच रास्ते में आपका पंक्चर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, इन दैट केस ऑल्सो आपका जो टायर है इन्फ्लेट कर देगा, इसके अंदर वो इन्फ्लेट करने का वो भी है, राइट, ऑप्शन भी है। तो ये बहुत ही मल्टीपल वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इससे आप ड्रिल भी कर सकते हो अगर आपको ड्रिल करना है कुछ, तो नो इसमें इमरजेंसी लाइट भी है, रात में कभी अगर आप रुक गए कहीं पे, आप इमरजेंसी लाइट भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आप कैंपिंग करते हो, टेंट करते हो कहीं पे, आप अपना पंखा वगैरह लेके जा सकते हो, तो वहाँ पे आप इससे रन कर सकते हो। सो बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, तो ये डेफिनेटली रखिए। और आज मैं फंस गया था, आज मैं वॉलमार्ट गया था, वॉलमार्ट में मेरा एक मेरा ऑफिस का कॉल था, तो 1.5-2 घंटे तक मेरा कॉल था। तो मैंने क्या किया था, मैंने गाड़ी बंद कर दिया था और अंदर सब कुछ चल रहा था, पंखा, यू नो, इंटीरियर लाइट, मेरे पास कैमरा है एंड जो भी है, राइट, गाड़ी के अंदर चार्जिंग पोर्ट सब कुछ चल रहा था मेरा। तो 2 घंटा चलने के बाद मैंने जब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, माई बैटरी वॉज ऑल कम्प्लीटली डेड, ठीक है। तो मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मेरे पास ये जंप स्टार्टर था एंड एक बंदा भी आ गया मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने पहली बार अपना गाड़ी को मैंने जंप स्टार्ट किया। सो देखिए मैं इसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे उस बंदे ने मुझे हेल्प किया। टाइम लगभग
This is the first time for us. Thank you. It's done, Shumin. I replaced the memory. Thank you, man. Thank you. तो दोस्तों आज जंप स्टार्टर ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा कम से कम 600-700 डॉलर आने से भी खर्चा होता, और उससे भी बड़ा है कि स्ट्रेस बहुत होता, और अगर ये कभी इवनिंग का टाइम में होता तो आई डोंट नो मैं क्या करता। ये गाड़ी कोई ले जाता टो करके रख देता ओवर द नाइट, और नेक्स्ट डे जब सर्विस सेंटर ओपन होता तब जाके शायद वो लोग फिक्स करके, फिक्स मतलब बैटरी रिप्लेस करके मुझे देता, और एक दो दिन विदाउट कार मुझे रहना होता। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन क्या होता, यहाँ पे लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ इज़ वेरी ईजी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ क्योंकि मेरे साथ हमेशा दो बच्चा रहता है, मेरा छोटे छोटे बच्चे फैमिली होता है मेरे साथ, तो वो लोग कभी फंस ना जाए, मैं कभी फंस ना जाऊँ। सो जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड, दीज आर दी एक्सेसरीज यू डेफिनेटली नीड टू बी लाइक नो टू कीप इन योर कार। डेफिनेटली आप इसको रखिए, अदरवाइज यू नो यू नेवर नो राइट व्हाट हैपन। सो अगर इसके ऊपर आप लोगों को और कुछ जानना है, मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ या क्या है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। एंड देखते रहिए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो जुड़ जाइए मेरे साथ, डू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन करने से शायद आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। ये जो छोटे छोटे जो एफर्ट्स हम लोग देते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा खुशी होता है राइट, जब हम लोग देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ कि 95% लोग मेरा वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, 5% या 6% लोग आर पीपल आर सब्सक्राइबिंग। सो आई डू रिक्वेस्ट यू लाइक नो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ जानना है आप लोग मुझे क्वेश्चन कीजिए। ऐसा हर रोज़ मैं कनाडा के ऊपर अपना डेली लाइफ लेके आता हूँ, छोटा मोटा कुछ भी मेरे सामने आता है, प्रोज कॉन्स, अच्छी बात खराब बात सब कुछ लेके आता हूँ, ताकि जब आप कनाडा हो या अगर आप कनाडा में हो आपको लाइक नो आपको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये काइंड ऑफ डू इट योर सेल्फ वीडियोज़ है। देखते रहिए, थैंक यू।